नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध के निवासी भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी इन दिनों युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे चारों ओर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की जा रही है। विगत 3 वर्षों से दिवाकर द्विवेदी के द्वारा गांव-गांव में घूमकर युवाओं को सेना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक इनकी ट्रेनिंग में सीख लेने वाले 20 जवानों का आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ है। वहीं दिवाकर द्विवेदी ने आने वाले आर्मी भर्ती में अन्य 100 लोगों को भर्ती कराने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर ये युवाओं के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। देश के लिए अगर कुछ करने का हौसला हो तो समय और उम्र की परवाह किए बगैर लोग देश की सेवा में जुट जाते हैं और इसी हौसले पर काम कर रहे हैं। रीवा के सिमरिया क्षेत्र के अंतर्गत बहुरी बांध गांव के निवासी दिवाकर द्विवेदी। दिवाकर वर्ष 2019 में आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव आए, मगर यहां दोबारा से उन्होंने देश की सेवा के लिए कार्य शुरू कर दिया, जिसके लिए उनके द्वारा जिले भर के गांव-गांव में घूमकर युवाओं को आर्मी में जाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर युवाओं को जगाने हैं तो दिवाकर द्विवेदी के द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है, जिससे देश की सेवा के लिए लोग प्रेरित होते रहें। इनकी माने तो वर्ष 2019 में रिटायर होने के बाद उन्होंने रीवा जिले के युवाओं को सेना में भर्ती करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जिसके लिए वह सुबह 4 बजे से उठकर अलग अलग क्षेत्रों में गाँव का भ्रमण करते हैं तथा अब भी लगातार वह 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा दिवाकर द्विवेदी के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित तकरीबन 20 छात्रों को आर्मी में सिलेक्शन मिल गया है। आने वाली भर्ती में दिवाकर ने 100 युवाओं को चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर वो लगातार युवाओं की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे युवाओं का सिलेक्शन आर्मी में हो और देश की सेवा कर सके। दरअसल बचपन से ही दिवाकर द्विवेदी खेल कूद में रुचि रखते थे, जिसके बाद वर्ष 2002 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए तथा 17 वर्षों की सर्विस कंप्लीट करके वह 2019 में रिटायर्ड हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अपना आगे का जीवन देश के कार्य में ही लगाया जाए, जिसके साथ ही उन्होंने जिले भर में घूम घूम कर युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। Ready, yes sir. अगली एक्सरसाइज के लिए रेडी है? Yes sir. बैंड पोजीशन, दो एक, दो एक, अभी लंबी लंबी सांस भर के रखो थोड़ी देर तक, धीरे से। लास्ट में जो पेट दर्द करने लगता है ना किसी किसी का, yes sir, जब बचता है 400 मीटर या 500 मीटर 1600, yes sir, उसमें और बहुतों का पांव ऐसे कपने लगता है, yes sir, ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो पांव और पेट और वाला समस्या नहीं रहेगा, yes sir। और फाइनल के नंबर में भर्ती हो गया था, नहीं तो फाइनल में ही टॉप में आता। तो इसलिए जो है ये दिमाग में रखना कि ये शरीर को जितना रगड़ोगे ना उतने चमकेगा, तो रगड़ दो इस शरीर को, क्योंकि जितना शरीर को चाहोगे ना आराम करते हैं। आज अगर एक बात का टाइम तो कुछ बोला नहीं, काफी हो जाएगा जो कुछ। यस सर, यस सर, यस सर, अभी नहीं आए। हाँ सर, जब तक वहां से लौट, अब है। यस सर, यस सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत, जय हिंद, जय हिंद। मैं भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी, अपना मेरा गांव बहुरी बांध है और मेरी शिक्षा दीक्षा हमारे पाटन रामनगर उचेहरा में हुई है। तो यह क्या है कि बचपन से ही अपना खेलों की तरफ झुकाव रहा, जुड़ाव रहा है। कई प्रमाण पत्र हमने लिए वहां पर फिजिकल संबंधित और जो है तो स्पोर्ट्स संबंधित। तो खेल कूद करते करते जो है तो सेना में भर्ती हुआ,
बारहवीं से लेकर के पहला स्थान, बारहवीं और फर्स्ट ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में से, और क्या बोलते हैं सेकंड ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में, और भी बहुत सारे इवेंट होते थे तो हमेशा उसमें फर्स्ट ही आता था। तो ये हमेशा दिमाग में रहा कि हमें जो है तो फिजिकल एक्टिविटी में आगे रहना है, जिससे कि बहुत कुछ अपने को हासिल हो सकता है, क्योंकि फिजिकल फिट ही आदमी सब कुछ कर सकता है। तो क्या है कि फिजिकल अगर फिट रहेगा तो मेंटली भी अपने आप फिट हो जाएगा वो। और इसके बाद ये सब करते करते क्या है, ये पहली बार भर्ती देखने गया और पहली बार ही सेलेक्ट हुआ था आर्मी में। और वहाँ जाके 17 साल मैंने जो है तो बिताया सेना में दिए, और 17 साल के बाद यहाँ पर आया तो हमें लगा कि हमारे यूथ को भी हमें हमारी ज़रूरत है, तो हम उनको समय दें, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी किसी न किसी ने हेल्प की थी, तो हम भी चाहते हैं कि वो जो है अपना जो है तो सूद के साथ हम लौटाएं, समाज को लौटाएं। तो इसलिए जो है तो लगे रहते हैं, और जहाँ भी बच्चे बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारा यूथ जो है, हमारा बच्चा जो है तो एक सही दिशा में जा रहा होता है, क्योंकि अगर गलत दिशा में जाता है तो हमें ख़राब भी लगता है कि यहाँ ये हो गया। तो इसलिए सही दिशा में जा थोड़ा सा मोटिवेट करने में हमें क्या दिक्कत होता है। तो ये है कि और एक चीज़ और अनुरोध करेंगे कि हमारा जो गाँव ग्रामीण इलाके में प्रत्येक गाँव में जो है एक जो है ग्राउंड होना ही चाहिए, और हर एक सुविधा उस जगह पर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे लड़के तैयारी कर सकें। और जैसा कि हम भी जो है तो जाते हैं गाँव का, प्रत्येक गाँव में आदमी जाता है, तो नज़दीक के इलाकों में तो ठीक है आदमी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक तो आदमी खींच लेता है, लेकिन कहीं कोई बोलता है 40 किलोमीटर दूर से किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का 35 किलोमीटर से फ़ोन आ जाता है, तो क्या है कि आदमी एक बार जा पाता है। ज़्यादा बार क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह आदमी जा नहीं पाता, और अपने को भी ख़राब लगता है। और अब क्या है, लड़के भी सब बेरोजगारी से, हम तो कोई आशा नहीं करते कि हम चाहते भी नहीं कि हमको कुछ दें। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन 4-5 साल से हम लोग स्वयं से ट्रेनिंग करते थे, खुद से ही दौड़ने आते थे, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। मैं भर्तियाँ में गया, कई भर्तियों में गया, इंडियन आर्मी की भर्ती, स्टेट आर्मी की भर्ती में गया मैं, लेकिन कहीं चेस्ट में तो कहीं एग्जाम में अनफिट रहा। रनिंग तो मैंने हर बार पास की, लेकिन चेस्ट और एग्जाम में अनफिट रहा। फिर ये 18 के बाद 20 में भर्ती आई, 2 साल बाद भर्ती आई, तो हमारी सर से मुलाकात हुई 19 में। सर ने हमें कई चीज़ सिखाया, हमें मालूम चला कि ये सर हमारे रिटायर होकर भी आए हैं फौज से। हमने सर से मुलाकातें की, कई चीज़ उनसे सीखी हमने। 2020 में भर्ती जो आई, उसके लिए हमने अच्छी रनिंग की, कई सब कुछ किया मैंने। सर भी आया करते थे हमारे पास, वो अच्छा मोटिवेट करते थे हम लोगों को। 2020 में जो भर्ती आई उसमें मैं क्वालीफाई किया, फिजिकल मेडिकल सब कुछ मैंने ग्राउंड फिट किया। आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए हैं, तो एक शारीरिक फिटनेस के साथ साथ एक मोटिवेशनल की भी ज़रूरत होती है, कितना जरूरी मानते हैं इसको, किस तरीके से आपको? जो इंसान मोटिवेशनल अगर है, अगर वो अपने आप से कमज़ोर है, अगर उस इंसान को आर्मी के बारे में कई चीज़ें बताई जाए, तो सामने वाले के अगर आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए तो सामने वाले को रोम खड़े हो जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन बंदों को मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है, जैसे कि बंदा अगर ग्राउंड में बैठा है रनिंग करने के लिए, तो अगर बंदा अगर सोच रहा है कि मैं 4 राउंड लगाऊंगा, और अगर बीच में सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो बंदा किसी हालत में नहीं कर पाएगा। अगर बंदे के अंदर खुद का आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो बंदा अच्छी तरह से रनिंग को पास करके आएगा। ट्रेनिंग के दौरान सर हमारे पास आया करते थे, और क्या है कि हमें फिजिकली 200 मीटर की रनिंग, चेस्ट के लिए, बीम के लिए, और जो आर्मी में कुछ एक्सरसाइज होती है वो सब कुछ बताया करते थे। नहीं, सर के द्वारा हमारे लिए कोई सेवा शुल्क नहीं थी, सब कुछ निःशुल्क था। हम सबको जब भी याद करते थे सर स्वयं आते थे, अगर नहीं भी याद कर रहे हैं सर खुद से चल के आते थे हमारे पास, और हमें अच्छे से ट्रेनिंग देते थे। अभी 30 से 40 बंदे तैयारी कर रहे हैं, और सर के द्वारा दिए गए ट्रेनिंग में 4 से 5 बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे क्षेत्र से। ये ट्रेनिंग 2019 से चल रही है सर, जो हमारे पास 19 से आने लगे हैं, बाकी सर को तो हम 18 में पहचान देते हैं। अभी मैं अमरकंटक से रैली हुई थी, अमरकंटक से मैं भर्ती हुआ हूँ आर्मी। तो 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इंडियन आर्मी की व्यवस्था यही रोड में दौड़ते हैं हम लोग। 2-3 साल से रनिंग कर रहे थे, अब दिवाकर द्विवेदी जी 2-3 साल से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग से हम लोगों को बहुत उत्साह होता है, अंदर से हिम्मत आती है कि नहीं हम लोग इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ कम से कम 30 से 40 बंदे हमारे दोस्त भाई हैं, सब हम लोग सब मिलकर तैयारी करते हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग रहती है? ट्रेनिंग यही जब से हम लोग आते थे केवल रनिंग और बीम वूम करते थे, लेकिन जब से दिवाकर द्विवेदी आए हैं हम लोगों के यहाँ सर आए हैं, तो कुछ अलग से एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिससे हमारे शारीरिक जो हमारे पैर दर्द करते थे रनिंग करने में, और बहुत सारी तकलीफें होती थी, तो उनके द्वारा बताई गई एक्सरसाइज में हम लोगों को वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है।
जी जी पक्का अपनी साइड से तो पूरी कोशिश रहेगी। ट्रेनिंग करने वैसे कहाँ जाना पड़ता है? ट्रेनिंग करने कहीं नहीं, हम लोग यहीं ट्रेनिंग करते हैं, अब लगने के बाद फिर जहाँ सेंटर मिलेगा वहीं करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।